नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। हृदय परिवर्तन कहानियां। शालिवाहन मृगिया के लिए निकलते तो वनचरों में पलय मच जाते, लाशों में ठेर बीज जाते। उस दिन शेर जीते जैसा हिंसक जंतु ही नहीं, हिरण चौबर नीलगाय जैसे कोमल प्रकृति के जीव जंतु भी शालिवाहन की दृष्टि से न बचते। शालिवाहन की पशु निर्दयता दूर दूर तक विख्यात हो गई। माँ रानी वसुप्रिया मृगिया से कलांत महाराज शालिवाहन की सेवा तो करती, पर उस दिन वह जीव दया पर उपदेश देना भी न भूलती। वह कहती, जीव जंतु विराट विश्वात्मा के ही परिजन है, किसी को मारने जीवन देने का अधिकार परमात्मा को है। हम मनुष्य पर उनके उपकार पहले ही कम नहीं है। अपनी क्षणिक दृष्टा और दंभ के लिए उन बेचारों का वध क्यों करें? महाराज, जिस तरह हम मनुष्य दूसरों द्वारा सताया जाना बुरा मानते हैं, उसी तरह जीवों का जीवन दुखाना भी पाप है। आप आत्मा के को भोजन न बने, जीवों को न सताया करे, उससे दुर्गति होती है। शालिवाहन ने हंसते क्यों विदुप उपहास करते और कहते, बावड़ी हर शक्तिशाली अशक्त को मारकर खा जाता है, यह तो प्रकृति का नियम है, इसमें पाप क्यों हो गया? महारानी उत्तर देती, नहीं महाराज, हर महान व्यक्ति महान आत्मा छोटों को प्रश्रय देती, सहयोग और सहानुभूति देती है। जब समुद्र बारिश बनकर बरसाता है, जब तो नदी नर बड़े रहते हैं, सूर्य तपना है, तभी तो सृष्टि चक्र चलता है, संसार दया और दान पर टिकता है। हम यदि वह न कर सके तो हम से कम अपने से गए गुजरों को सताए भी नहीं। शालिवाहन उपदेश सुनने के आदि नहीं थे, वह उसके अहंकारी व्यक्तियों में से थे जो स्वयं को भगवान मानने जैसा दंभ दिखाते रहते हैं। पर इस संसार के अहंकार टिक्का किसका, कौन व्यक्तित्व कुर्ता करते महान बन सका? शालिवाहन दूसरे दिन ही मुर्गया के लिए निकल पड़े। असंख्य पशु पक्षियों को वध किया उन्होंने, जीवों को विलाप के कारण वन शोका सागर में बदल गया। किसी पशु का वंश नाश ही हो गया तो किसी मुर्गी के छोड़ने मारे गए प्रलयकार जैसा जीव सहार कर रहे। शालिवाहन ने एक हिरणी के देखते देखते उसके दो सुकुमार बच्चों को वध कर दिया। हिरणी भी वहां से हटी नहीं, उसकी आंख कह रही थी कि निर्दयी और एक तीर निकाले और वेद मेरा वृक्ष तल, तुझे यह तो पता चले कि जीवों के भी ममता होती है, उन्हें भी अपने बच्चे तुम मनुष्य के सम्मान ही प्यारे लगते हैं। हाथ त्रुणी पर गया तो वह बिल्कुल रिक्त हो चुका था, एक भी तीर न बचा था। तर्कस में शंख ध्वनि की गई और महाराज शालिवाहन विजय की भ्रांति दल बल के साथ राजवाणी की ओर लौट पड़े। उस दिन से नवरात्र प्रारंभ होते थे। महारानी वसुप्रिया भगवती दुर्गा के अभिषेक के लिए राजमहल से निकलकर पर्वतीय उपत्यका पर वन मंदिर में जा करती थी। उस दिन उनके साथ राजकुमारी उत्पल भी थी। उत्पल की आयु तब कुल 5 वर्ष की ही थी। अभी वह पर्वत के समीप पहुंच ही पाई भी कि जडिया के एक और नर बक्सी वाघ झपट आ और राजकुमारी को झपट कर उठा ले गया। अंगरक्षकों सैनिक कहते हैं कि रहे वाघ क्षण भर में ही धन ने बंगले में घुस गया। शालिवाहन के भय से भयभीत सैनिक वाघ का पीछा करते ही गए। वाघ सैनिक की आंख बचाकर एक जाड़ी में छुपना चाहता था, पर उसका वहां रुकना भारी पड़ गया। शाम हो चली थी।
हिरण्य जिसके दो बच्चे आज ही महाराज शालिवान द्वारा मृत्यु के घाट उतार दे गए थे ने राजकुमारी उत्पल की और कातर दृष्टि से देखा। एक बार अपने बच्चों की ममता फिर उबर पड़ी हिरणों के हृदय में, वह वाघ पर टूट पड़ी। थका हुआ वाघ उसका सामना न कर सका, सैनिकों का भय भी था उसे। उत्पल को वही छोड़कर वह भाग निकला। हिरण ने उत्पल को जाड़ी के अंदर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रात को गए सैनिकों भी निराश होकर घर लौट गए। वाघ के पंजों के गांव जहां जहां लगे थे हिरण उन उन स्थानों का रात भर चाटती रही। बार बार उसके हृदय में अपने बच्चों की ममता और करुणा उजड़ती। वह उनकी ही ममता से उत्पल को चाटती रही, मानो उस जब उत्पल में ही अपने बच्चों की आत्मा जागती दिखाई दे रही थी। रात भर भी श्रुसंसा से उत्पल चंगी हो गई, रात रह गई थी। तब उत्पल की अचेतनावस्था वापिस लौटी। हिरण्य के ममत्व में वह राज परिवार का स्नेह और ममत्व भूल गई। सूर्योदय तक वह हिरणों से ऐसी हिलचिल गई जैसा वह उसके ही परिवार की एक सदस्य था हो। प्रांतकाल शालिवान स्वयं राजकुमारी की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वह उसी स्थान पर पहुंचे जहां उत्पल हिरणी से खेल रही थी। चुपचाप बैठी हिरणी को कुछ ध्यान ही नहीं था, कौन आया कौन गया। पुर्दावेश में आकर शालिवान ने तीर निकालकर प्रत्याचार चढ़ाए। उसके कान पर खींचकर प्राण को छोड़ना ही चाहते थे कि उत्पल ने देखा लिया। वह हिरणी की ओट करने को दोनों हाथ फैलाकर तीर अपने छाती में चुमा लेने के लिए खड़ी हो गई। महाराज ने डाटा, हट जा उत्पल, एक ही तीर में दुष्ट हिरणी का वध कर देता हूं। उत्पल तब मूर्तिवत खड़ी थी, बोली तो नहीं पर उसकी आंख कह रही थी कि निर्दयी चलो तीर, तुझे पता तो चल किसी जीव के प्राण लेने का फल क्या होता है। तू ही पिता नहीं, इस जीव के भी माता पिता है। इन्हें भी मालूम होने दे कि जो मनुष्य आज निर्दयता पूर्वक पशु को मार सकता है वह कल मनुष्य को भी मार सकता है। चली हुई प्रत्याचार ढीली पड़ गई, धनुष हाथ से छूट गया। शालिवान की आंखों में आंसू झरने लगे, वह खाली हाय हिरण के पास तक चल गए। हिरण की आंख जर 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 रही थी। शालिवान ने निर्जर से जल लिया और प्रतिज्ञा की तब अब वे कभी किसी पशु का वध नहीं करेगा। इसी दिन से सारे राज्य में घोषणा कर दी गई और भी किसी गांव को कष्ट नहीं देना। यह विजय महारानी वसुप्रिया का विजय थी। उनके दिन उन्होंने सारे नगर की गायों को भोजन भी कराया। अखंड ज्योति जानुआरी 1973 के सवा